भौतिक विकास चरम पर पहुंच रहा है, लेकिन भौतिक विकास के कदम मानवता को विनाश की ओर ले जा रहे हैं, ऐसा दुनिया के सारे चिंतक मानते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर हमारी परंपरा के पास है, क्योंकि इन सारी बातों को मानते हुए हमने किसी को रिजेक्ट नहीं किया है, हमने सबको स्वीकार किया है। जैसी हमारी परंपरा है, आस्तिक दर्शन भी है, नास्तिक दर्शन भी है, चार्वाक का भी लोकायत दर्शन है, उसको दर्शन का दर्जा है, क्योंकि विचार अपने अपने अनुभव से आते हैं। सत्य तो अभी बात हो रही थी हमारी, सत्य तो अनिर्वचनीय है। सत्य क्या है ऐसा पूछने पर जो बोलता नहीं वो ज्ञानी है। जनक राजा की सभा में ऐसा हो गया कि ब्रह्म जो जानता है उसको ये 1000 गायें मिलेगी, कौन जानता है? तो याज्ञवल्क मुनि खड़े हुए, उन्होंने अपने शिष्यों को कहा गाय लेकर चलो। खड़े हो गए लोग, अरे आपने बताया नहीं, उत्तर नहीं दिया, कुछ कैसे ले जा सकते? तो उन्होंने कहा कि जो जानता है वो ये जानता है कि वो अनर्वचनीय है, वो बोलता नहीं, और जो बोलते हैं बोलते है, इसका मतलब वो जानते हैं। ऐसा जो है उसको हमारे मनीषियों ने जाना और उसमें उनको ध्यान में आया कि जबरदस्ती दुनिया को एक करने हम चले हैं, दुनिया वास्तव में एक है, उस एक की ही इच्छा है कि मैं विविध बनूं, इसलिए विविधता है, इन विविधताओं को मिटाओ और जबरदस्ती एक करो ये रास्ता नहीं है, इसी में रहकर इसी का स्वीकार करते हुए ये समझो कि हम एक है। विविधता कुछ आगे तक जाती है, एक हद आती है उसकी, उसके बाद विविधता नहीं एकता ही है, क्योंकि एकता ही शाश्वत है, वही सत्य है, ये हमारे पास है। यानी बुद्धि से तो और भी लोग हैं, उपनिषदों पर लेने वाले पाश्चात्य विद्वान भी हैं, लेकिन ये बोलने का लिखने का बुद्धि से तर्क करने का मामला नहीं है, ये मामला अनुभूति का है। उस अनुभूति को अपने जीवन में साक्षात करने वाले हमारे पास है, बाकी जगह पहले थे आज नहीं है, आगे नहीं होंगे ऐसा मैं नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने जो रास्ता छोड़ दिया वो रुक गए, बाहर ही देखते अंदर देखते नहीं। हमारे यहां अभी भी अंदर देखकर उसको साक्षात करने वाले लोग, और इसलिए मिलता है। फिर भी बात तो ये है ही कि इतना गहन गूढ़ जो है वो लाए कैसे साक्षात व्यवहार में, तो उसका एक ही रास्ता है कि जो दुनिया में होना है उसका उदाहरण खुद बनूं।